मस्त रहा हूं। रोटी बहुत खाता था। सारे भाई एक एक करके खाना खा जाते थे, पर वह पंगत से न उठता था। दो खाई, चार खाई, पांच खाई, वो गिनता भी नहीं था। माँ भी दुखी हो गई थी। इतनी रोटी खाकर बस सो जाता, कोई काम न करता। थोड़े बहुत दिन की बात होती तो चलती, अब तो उन्होंने घर से ही निकाल दिया। पर मस्तराम तो मस्तराम था, चल पड़ा। रास्ते में देखता है एक जगह बहुत भीड़ लगी है। अरे यहां क्या हो रहा है? अंदर जाकर देखा, एक महात्मा सबको खाना परोस रहे हैं। ये क्या है भाई? अरे भाई भंडारा लगा है। क्या काम करते हैं यहां मंदिर में? कुछ नहीं, प्रभु का सुमिरन करते हैं। तो क्या मैं भी कर लूं? हाँ, कर लो, तुम भी कर लो। महात्मा जी से बात हुई तो कहने लगे, मैं रोटी बहुत खाता हूं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रभु का भंडारा है। और मस्तराम की तो मस्ती फुल डिग्री की होने लगी। खूब सारा खाना खाता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पर ये क्या, आज सुबह सुबह देखा रसोई में आग ही नहीं जली है, न कोई रसोईया है, न कोई खाना है। भागा भागा महाराज के पास गया। महाराज बड़ी भूख लगी है, ये क्या है? आज कोई उठा ही नहीं, कोई काम ही नहीं करा। अरे तुझे नहीं पता, आज एकादशी है, आज के दिन मंदिर में खाना नहीं बनेगा। महाराज ये तो बड़ी मुसीबत हुई। ना ना, एक दिन तो व्रत रखना पड़ेगा, पर मैं तो भूखा नहीं रह सकता। महाराज को दया आ गई। तो फिर ऐसा करो, लो आटा दाल और गुड़ ले जाओ, वहां नदी किनारे अपना भोजन पकाकर खा लेना, मंदिर में भोजन नहीं बना सकते। मस्तराम को क्या फर्क पड़ता है? पर चलने से पहले महाराज ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, खाना खाने से पहले प्रभु को भोग जरूर लगा देना। ठीक है महाराज। नदी किनारे जाकर उसने दाल बनाई और चपातियां बनाकर भोग की जैसे ही प्रभु को याद किया। ये क्या, प्रभु आ धमके? लो भाई, दो मोटी मोटी रोटियां बनाई थी, एक प्रभु को दे दी, पेट में वो तसल्ली नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है। पर ये क्या, अगले महीने फिर आधम की एकादशी? इस बार तो महाराज से हाथ जोड़कर खड़े हो गए मस्त रहा। महाराज जी आटा थोड़ा ज्यादा दे दो, इस बार प्रभु को भोग लगा तो पेट भर के खाना नहीं खा सका था। ले जा भाई, उसको दो से आटा दे दिया, गुड़ भी ज्यादा दे दिया, दाल भी ज्यादा दे दी। इस बार भोग लगाया तो प्रभु सीता जी को भी साथ ही ले आए। ये क्या, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मैं आटा ज्यादा लाया तो भोग के समय पत्नी को भी ले आए। मस्तराम दुखी हो गया। अगली एकादशी को उसने पांच सेर आटा मांग लिया और इस बार भोग लगाया तो देखा राम सीता लक्ष्मण पूरा परिवार चला रहा है। अरे बाप रे, मस्त राम ने तो उठाकर सारा का सारा सामान दे दिया। लो प्रभु, खुद ही बनाओ, आपके साथ तो माता जी भी हैं, खुद ही बनाओ, खुद ही भोग लगाओ, मैं तो भूखा ही रह लूंगा। सीता मैया ने भोजन बनाया। पृथ्वी पर कौतूहल मच गया, सब जगह खबर फैल गई। सीता माता स्वयं आ रही है, अपने हाथों से प्रसाद दे रही है। सभी देवी देवताओं की भीड़ लग गई। बात पहुंचते पहुंचते मंदिर के महाराज तक पहुंची। आकर देखता है ये क्या, पर उसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। कहां प्रसाद, कहां माता? मस्त राम ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज जी को दर्शन दो। ये दुनिया में पहली बार हुआ था, किसी भक्त की वजह से उसके गुरु को प्रभु ने दर्शन दिए थे। मस्त राम मस्त जो ठहरा था, आज के जमाने में ना कोई मस्त राम रहा और ना ही शायद प्रभु इतनी आसानी से आते। हर इंसान चाल चलने में, एक दूसरे को काटने में और परेशान करने में व्यस्त है। काश हम सब मस्त राम हो।